हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज मैं पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है, उसको कैसे डाउनलोड करें और मोबाइल से कैसे हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में फुल जानकारी स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। क्योंकि मेरे दोस्त, नोटिस के अनुसार 29 जून को ही दिया गया था कि एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज चेक करते हैं, आज 29 जून है, कि एडमिट कार्ड अपलोड हुआ है या नहीं। ये मैं कंफर्म पता भी कर लूँगा और अगर हुआ है तो डाउनलोड करके भी बताऊँगा कि आखिर डाउनलोड कैसे होगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए, और एक बात और आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जिन छात्रों ने अगर अपना पासवर्ड भी भूल गए होंगे तो टेंशन ना लें, फॉरगेट पासपोर्ट करने का भी स्टेप बताऊंगा और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट मैं चलता हूं दोस्त वेबसाइट पर, लेकर जाना है और गूगल में, गूगल खोलना है या क्रोम, दोनों में से। तो क्रोम जैसे ही खोलेंगे दोस्त, वहां पे लिखेंगे BCEC। क्लियर? BCEC जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारा वेबसाइट ऐसे खुलेगा, और जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आ गया वेबसाइट बिहार गवर्नमेंट इन। क्लियर? अब देखिए, यहाँ से आप सुविधा के लिए डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। क्लियर? ये इसलिए कर लिए कि इसमें टोटल दिखाई देगा, आधा कटेगा नहीं। अब यहाँ पे जूम करके देखिए मेरे दोस्त, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC है, PEPPPMPMM 2022 अर्थात पारामेडिकल पॉलिटेक्निक, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक और पार्ट टाइम पारामेडिकल, सबका इसी लिंक पर क्लिक करना है दोस्त। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई नाउ है, एकदम फर्स्ट नंबर में अप्लाई नाउ पे जाना है। और अप्लाई नाउ पे जैसे ही जाएंगे दोस्त, इस तरीका से खुल जाएगा, जब आप डेस्कटॉप मोड में कीजिएगा तब। क्लियर? और ये ऐसे खुलेगा तो देखिए, आप बोलिएगा यहाँ एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो टेंशन ना ले, यहाँ पर आ जाए और देखिए यहाँ ईमेल एड्रेस पूछ रहा, पासवर्ड और कैप्चर कोड। तो कैप्चर कोड यहाँ ग्रीन में दिया हुआ है, वहीं क्लिक कर दे, यहाँ फिल कर देना है। और ईमेल एड्रेस आप लोग भरे होंगे उस समय, जो ईमेल दिए होंगे दोस्त, वो ईमेल देना है। क्लियर? तो देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट का ईमेल है, वो मैं यहाँ पे डाल के आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ कि डाउनलोड हो रहा है या नहीं। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए डाल रहे हैं। डाल दिए, पासवर्ड डाल देना है, जो पासवर्ड आप उस समय फिलअप किए होंगे तो लिख के दिया होगा, अगर भूल भी गए होंगे उसका भी मैं बताऊंगा स्टेप कैसे करना है, टेंशन तो लेना ही नहीं है दोस्त। चलिए पासवर्ड डाल दिए, कैप्चर कोड की बात आ रही है, देखिए यहाँ कैप्चर कोड पूछ रहा, तो ये साइड वाले कैप्चर कोड डाल देंगे। तो कैप्चर कोड कितना है दोस्त, ये देखिए, तो कैप्चर कोड है 4587, तो 4587874 डाल दिए दोस्त। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए बोले थे ना कि अगर कोई पासवर्ड भूल गए उन्हें तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर? और बाद वो जाएगा OTP, मोबाइल पे OTP लेके न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरा पासवर्ड तो है दोस्त, तो यहाँ साइन इन कर देना है। क्लियर? जैसे साइन इन कीजिएगा तो यहाँ खुल गया। क्लियर? और जब खुल गया ना दोस्त, देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार का एडमिट कार्ड खुल गया है, लेकिन यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए सिर्फ एक्शन है, व्यू प्रिंट, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम और रजिस्ट्रेशन और कोर्स। क्लियर? ये PE का फॉर्म डाला है। तो देखिए यहीं पे बस कुछ ही समय में दोस्त सब चीज़ क्लियर है, यहाँ जो एक्शन है ना, यहीं पे कुछ ही समय में आपको दिखाई देगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। क्लियर? तो स्टेप सेम रहेगा मेरे दोस्त, बस 1-2 घंटा के अंदर में हो जाएगा प्रोसेस, और जाना है इसी प्रकार से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल में PDF सेव करके रख लीजिए। और एग्ज़ाम आपको पता है कि 9 जुलाई का होने वाला है, पॉलिटेक्निक का, और पारामेडिकल वाला 10 जुलाई को, तो तैयारी करते रहना है मेरे दोस्त। तो चलिए, थैंक यू, आप लोगों को इतना बता दिए, ऐसा ही डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर मेरे दोस्त? और आराम से पढ़ना है दोस्त, बस यही बोलूँगा कि पढ़ते रहना है। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।